हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 13 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप उन पार्ट्स को देखकर कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियाँ टाइम से मिलती रहें। कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 12 का एंड हुआ था। हम देखते हैं पिथेप अपने भाई और लुआंग को मारकर काफी घबरा जाता है और लुआंग मरने के हालात में जमीन पर लेट जाता है। अब इन लोगों को यहाँ से कौन लाया ये चीज हमें पता नहीं चली, क्योंकि डायरेक्ट ही ठीक ठाक मुआंग को दिखाया जाता है जो कि राजा के पास जाता है। राजा मुआंग से कहते हैं कि लुआंग की तबीयत अब कैसी है, जिस पर मुआंग कहता है कि लुआंग की हालत काफी नाजुक है। सुनकर राजा लुआंग को घर भेजने का आदेश देते हैं। इधर आन को दिखाया जाता है जो कि ट्रेडिशनल म्यूजिक प्रोग्राम में होती है और उसे सुन रही होती है, लेकिन जिस वक्त लुआंग को तलवार लगी थी उस वक्त आन को एहसास हो गया था, लेकिन वो कुछ समझ नहीं सकी थी। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, आन चोम के पास जाती है जहाँ पर लुआंग की बहन को वो देखती नहीं। तब वो चोम से पूछती है कि दी कहाँ पर है, जिस पर वो बता देती है कि वो चंपा हाउस गई है, शायद लुआंग की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनकर चोरकी के साथ आन फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाती है। आन को यहाँ पर देखकर लुआंग की माँ और बहन घबरा जाती है और कहती है सब ठीक तो है, तुम सारे लोग अचानक ही यहाँ पर क्यों पहुँच गए। जिस पर आन कहती है अगर तबीयत खराब थी तो ऐसे में चुपके से आने की क्या जरूरत थी, एक बार मुझे बता तो दिया होता। तभी आन की शक्ल दोनों ही देखने लगती हैं और यही वक्त डॉक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर को देखकर आन कहती है मतलब इतनी ज्यादा तबीयत खराब है कि डॉक्टर भी आ गए हैं, आखिर आपको हुआ क्या है। अब ये बात सुनकर लुआंग की माँ कहती है कि डॉक्टर मेरे लिए नहीं बल्कि लुआंग के लिए आए हैं। अब आन जब यह बात सुनती है तब वो जिंदा लाश बन जाती है और घबरा कर फौरन ही लुआंग के पास जाती है। तब पता चलता है कि इनको युद्ध में किसी ने मारा है। खैर है कि ज्यादा कुछ हुआ नहीं। आन रोते हुए लुआंग को देखती है और उसे लिपटते हुए अपने दर्द का इजहार करती है और फिर वो बाकियों पर गुस्सा करती है कि इतना कुछ हो गया हमें खबर भी नहीं दी गई। अब डॉक्टर लुआंग के पास आते हैं लेकिन लुआंग को होश नहीं आ रहा होता। अब ये देखकर आन रो रो कर उसे उठा रही होती है, तभी लुआंग को होश आ जाता है। वो उसके सर पर हाथ को फेरता है और कहता है कि परेशान नहीं हो, अब वो बिल्कुल ठीक है। तभी ये बात बाकी लोगों को पता चलती है कि लुआंग को होश आ गया है। तब सभी मेट ये कहने लगते हैं कि डॉक्टर की दवा ने लुआंग को होश में नहीं लाया बल्कि आन ने लाया है, यानी कि वो आन से काफी मोहब्बत करता है। ये सोचकर सब काफी खुश हो रहे होते हैं। इधर लुआंग वही फूलों वाला रुमाल आन को देता है और कहता है कि इसी के सहारे वो इतने दिन वहाँ पर रह सका। इधर पिटॉस और पिथेप को दिखाया जाता है। टॉस कहता है कि वो जाकर सारी बातें दादा को बता देगा कि पिथेप ने ही उसे और लुआंग को मारा है, लेकिन थेप उसे मना करता है कि ये बात वो दादा को ना बताए। साथ में ये भी कहता है कि टॉस को उसकी वजह से चोट पहुंची, उसके लिए वो माफी मांगता है, लेकिन टॉस कहता है कि मेरा छोड़ो लेकिन तुम लुआंग की जान के दुश्मन क्यों बने हो। जिस पर थेप हजारों बहाने करने लगता है और उसे मना करता है, भाई की कसम देता है और कहता है कि ये बातें वो कहीं भी शेयर ना करे। ये सुनने के बाद टॉस रुक जाता है। इधर सबके बीच में बैठा लुआंग और मुआंग उस रात के हमले की बातें बता रहा होता है। साथ में लुआंग ये भी कहता है कि उसे पिथेप पर शक है क्योंकि उसने बेहोश होने से पहले थेप की वॉइस को सुना था, लेकिन वो इस बात के लिए कंफर्म नहीं है। इस तरह सब लोग ये सुनकर काफी परेशान हो जाते हैं। खैर अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। लुआंग की तबीयत अब काफी अच्छी हो चुकी थी। इसी खुशी में आन के साथ बाकी लोग मंदिर जाने का प्लान बनाते हैं, जिस पर लुआंग रेडी होता है। ये सुनकर आन बड़ी खुश होती है क्योंकि वो समझ रही होती है कि पहली डेट जो कि लुआंग के साथ वो कर रही है। अब ये सारे लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर टॉस भी लोगों को नजर आता है। टॉस को देखकर आन बड़े ही खुश होती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लुआंग को टॉस ने ही बचाया है, इसलिए वो उससे काफी अच्छे से बात करती है और पहले से भी टॉस से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन लुआंग को आन का इस तरह बात करना बहुत ही खराब लग रहा था।
तभी टॉस लुआंग से कहता है कि उसे अकेले में लुआंग से कुछ बात करना है, जिस पर लुआंग उसे अपने घर बुलाता है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मेबुआ आ जाती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी तबीयत का सुनकर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अब तुम ठीक हो ये देख कर मैं बहुत खुश हूँ। मेबुआ जब साथ में ऑन को देखती है तब काफी जल जाती है, लेकिन खुद के गुस्से पर कंट्रोल करती है। लेकिन तभी थोड़ी सी बात करके ऑन के साथ लुआंग चला जाता है। इस तरह मेबुआ की काफी इंसल्ट हो जाती है। ये इंसल्ट देखकर मेबुआ के अंदर आग लग जाती है। अब वो गुस्से में अपने घर जाती है, अपने पेरेंट्स से कहती है कि लुआंग वापस आ गया है, अब तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, ये बात आप लोग उससे कहते क्यों नहीं। लेकिन मेबुआ के पेरेंट्स उल्टा मेबुआ पर बरस पड़ते हैं, ये कहकर कि वो ठीक होने के लिए बैटल से आया है, न कि तुमसे शादी करने के लिए। इस तरह मेबुआ को छोड़कर उन लोग चले जाते हैं और कहते हैं कि हम इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अब अपने पेरेंट्स की ये बात सुनने के बाद मेबुआ पैर पटकती रह जाती है। इधर लुआंग के पास टॉस आता है और कहता है कि आपको मारने की कोशिश हमारे भाई थेप ने ही की थी, लेकिन मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। ये सुनने के बाद लुआंग उसे माफ कर देता है। अब लुआंग टॉस से कहता है कि वो मेरे जान का दुश्मन क्यों पड़ा है, पिथेप को इस बार मना कर दो, वरना ये बातें उसके लिए बहुत ही बुरी साबित होंगी। अब ये बातें कहकर लुआंग उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उसकी जान बचाई। अब टॉस को खाना खिलाने के लिए वो अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर ऑन बहुत अच्छा खाना बनाई होती है। टॉस का कहना होता है कि उसे खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऑन को देखकर वो मुस्कुरा कर तारीफ कर रहा था। ये चीज लुआंग को बहुत ही बुरी लगती है और ऑन भी सिर्फ टॉस पर ही नजरें जमाए होती है, लुआंग की तरफ वो एक बार भी नहीं देखती। इसी चक्कर में वो ऑन से नाराज हो जाता है। लेकिन बाकी मेट ऑन और लुआंग की मीटिंग कराते हैं, जिसके बाद दोनों ही लोग कुछ देर शिकायत करते हैं, फिर मोहब्बत में तारे गिनने लगते हैं। अब अगली सुबह हमें दिखाई जाती है ऑन चोम के घर जाती है, जहां पर उन्हें शुक्रिया बोलती है कि वो उसकी फर्स्ट गुरु हैं, जो कि फूलों के हार को बनाना उन्हें सिखाई हैं। तभी यहां पर लुआंग की बहन आ जाती है, जो कि ऑन को अपने रूम में कुछ फैब्रिक लेने के लिए भेजती है। जहां पर ऑन जाती है लेकिन उसे फैब्रिक तो नहीं मिलता, वहाँ पर उसे कुछ लेबलेटर जरूर मिलता है, जिसे पढ़ना तो चाहती है लेकिन पढ़ नहीं पाती, क्योंकि चोर के उसे बुला लेती है। लेकिन ऑन को पूरा शक हो जाता है कि लुआंग की बहन का किसी से अफेयर चल रहा है, अब वो कौन है ये पता नहीं है। खैर, अब ऑन चोरके के साथ यहाँ से चंपा हाउस के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में चोरके से पूछती है कि लुआंग की बहन तो लुआंग से काफी बड़ी है, तो अभी तक उसने शादी क्यों नहीं की, जिस पर चोरके कोई खास जवाब नहीं देती। लेकिन ऑन मन ही मन उसके अबाउट सोच रही होती है कि कुछ तो दाल में काला जरूर है। अब लुआंग की बहन को हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर रुक जाती है। इधर लुआंग की बहन फिर से उस मेड यानी कि जुन से मिलती है, जो कि उसे लिफाफा लाकर देती है जिसमें लबलेटर होता है, साथ में एक जंजीर भी होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो रही होती है और लेटर को पढ़ रही होती है। इधर घर आकर लुआंग से ऑन मिलती है, तब लुआंग उसे अपने तरफ से एक ब्रेसलेट देता है और कहता है कि इसको एक्सेप्ट कर ले, जिसे पहनकर ऑन बड़ी खुश होती है। उसके बाद हमें फिर से लुआंग की बहन को दिखाया जाता है, जो कि रात के अंधेरे में किसी से मिलने जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ही उसे चोम देख लेती है और रोक लेती है, कहती है कि इतने अंधेरे में तुम कहाँ जा रही हो। लुआंग की बहन चोम को देखकर डर जाती है और हजारों बहाने करने लगती है, लेकिन थोड़ा सा शक चोम को भी हो जाता है। वो कहती है कि इस तरह रात के अंधेरे में नहीं निकला करो, वरना लोग तुम पर शक करेंगे। अब ये बात सुनने के बाद लुआंग की बहन वापस लौट जाती है। इधर हमें मेट्स को दिखाया जाता है, जिसके जरिए मेबुआ को ये पता चलता है कि आज की नाइट लुआंग अपने घर में अकेला रहेगा, इस तरह आप वहाँ पर जा सकती हैं। बाकी उसके साथ जो मुआंग रहेगा उसको मेरे पर छोड़ दें, मैं उसे किसी भी तरह घर से आउट कर दूंगी। ये सुनकर मेबुआ का फिर से दिमाग चलता है और वो गुलाब में नहाकर सातों सिंगार करके लुआंग के घर पहुंच जाती है और मेट से जुन बाकी मेट से कहकर खाने में लूज मोशन की दवा को मिला देती हैं, जिसकी वजह से खाना खाते ही सारे मेट्स पेट को पकड़ते हुए जरूरी काम से जाने लगते हैं। इस तरह रूम में सिर्फ लुआंग ही होता है, जो नीचे रखवाली कर रही होती है, और मेबुआ लुआंग के रूम में पहुंच जाती है। उधर ऑन को लुआंग की बहन वाले लबलेटर की हैंडराइटिंग
समझ में आ गई होती है कि ये किसकी है, लेकिन इस बात के लिए वो क्लियर नहीं थी, इसलिए फौरन ही चंपा हाउस आने लगती है। इस तरह लुआंग अब बहुत ही बुरा फंसने वाला था, क्योंकि इस वक्त उसके रूम में मेबुआ होती है और वो जब मेबुआ को देखता है तब घबरा जाता है और कहता है कि इतनी रात में वो यहाँ पर क्या कर रही है। और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।